हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मस्त और बढ़िया। चलो, कल किसी कारण से जो है वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज वापस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सर, आपने दूसरा माइक लगाया? अरे, ऐसे ही लगाया है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर साउंड बहुत स्लो आता है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इस वाले माइक से साउंड कैसा आता है और क्या क्वालिटी आती है। चलो, तो सभी को राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया और मस्त? चलो, सबके नाम लेने क्या? कमला बहन कैसे हो? बढ़िया। हेमी बहन आप भी बढ़िया हो? सभी बच्चों कैसे हो? बढ़िया और मस्त हो? चलो, भागीरथ जी बहुत अच्छा, आशु चौधरी बहुत अच्छा, हमारे सभी बच्चे सौर्य और मूला राम और जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, भावना, रितिका, सभी का, ललिता वगैरह, सभी का स्वागत और वेलकम। स्टार्ट करते हैं गाँव ससुर। देखिए, अभी तक हमने जो कहानी डिस्कस की है वो की है इलेक्ट्रिकल फील्ड तक की। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल डाइपोल तक हम लोग पहुंच गए। इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एमसीक्यू भी करवा दिए और वहां तक हमने बात अच्छे से कर ली। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल से उसके अक्ष पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था और जो निरक्ष पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था और आर कॉमा थीटा पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था, उन तीनों के डेरिवेशन क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे, बताया था कि नहीं बताया था? सर, बिल्कुल बताया था। सर, पहले तो इंग्लिश में बोले, आज कंटिन्यू हिंदी बोले जा रहे हो। अक्सिस इक्वेटोरियल और आर कॉमा थीटा। अक्सिस पे कितना आया था बेटा, बोल जल्दी से। हाँ बेटा, तू बता कितना आया था? सर, 2 kp/r³। वेरी गुड। डायरेक्शन कहाँ से निकाली थी? डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से एक्स अक्स के अलोंग, पॉजिटिव एक्स अक्स के अलोंग जा रही थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूँ इक्विटोरियल पोजीशन पे अर्थात निरक्ष पे कितनी आई थी? हाँ गुड़िया, तू बता। -kp/r³। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डायरेक्शन माइनस एक्स एक्स पे आई थी। बहुत गुड। आर कॉमा थीटा वे? सर, kp/r³ कर लो, 1 + 3 cos² θ कर लो। चलो, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद में देखिए, अभी हम गाउसस लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि जो गाउसस लॉ होता है वो कौन सी सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो आप लोगों को पता हो तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीन तरीके से होता था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर हिंदी प्लीज। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अरे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। उनका यूज अब होने वाला है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अभी हम पढ़ के आए, विद्युत फ्लक्स, जो लास्ट क्लास थी हमारी विद्युत फ्लक्स, उसमें बताया था कि कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस गुजरती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, उनकी संज्ञा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चा, ये कहानी की। और हमें कोई शक और संशय भी नहीं था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाला भी था तो E.ds आया था, अर्थात स्केलर प्रोडक्ट मिला था इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया का। और हमने ये भी सीखा था कि अगर मान लो कि सिमेट्रिकल फिगर हो जाए तो वहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट लेके हम उनका इंटीग्रेशन करके वहाँ का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालते। एक बार क्या हुआ, वहाँ से कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट। एक गार्डन था बेटा, उस गार्डन के अंदर एक बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे, मतलब देखो तो एकदम से जन्नत जैसा था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद वहां पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। सारे के सारे पेड़, वृक्ष कहे, फूल कहे, या जितनी भी झाड़ या सुंदर नज़ारा था, वो सब धीरे 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 खत्म होने लगा। आखिर ऐसा वहां पे क्या हुआ कि सारी चीजें धीरे 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 जो है वो खराब होने लग गई। तो सब लोग देख के टेंशन में आ गए। जैसे तुम लोग आते हो ना एग्जाम को देख के, कभी किसी चीज को देख के टेंशन में नहीं आओगे, लेकिन एग्जाम को देखा तो तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया कि ये एग्जाम क्या चीज है। आई ना बात समझ में? तो हुआ ये कि सब लोग इकट्ठे हुए, वहां की जो कमेटी थी गार्डन वाली, सब इकट्ठे हुए। अरे यार, क्या समस्या पैदा हो गई कि गार्डन में किस कारण से यहाँ पे सारी चीजें हो रही? क्या जलवायु परिवर्तन हुआ है? क्या सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है? हवा नहीं आ रही है? क्या चीज है? तो कुछ दिन तक इन्होंने ट्राई किया,
लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। अब सॉल्यूशन क्या निकला था, तो वहां से आपके पीजे सर जा रहे थे, तो पीजे सर से पूछा गया कि समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपके पीजे सर ने कहा कि एक बहुत बड़े प्रसिद्ध बाबा है और बहुत जो है वो ज्ञानी है, उनके पास इस चीज का राज है। सारे गांव वाले चले गए कि माई बाप गुरुजी आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। गुरुजी को बोला गया, गुरुजी पथ प्रदर्शित कीजिए। गुरुजी का नाम था गौश। क्या नाम था बेटा? गौश। तो सब लोग विनती सुने, साथ में पीजे सर भी थे। तो विजय सर ने कहा, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सर हमारी समस्या का समाधान करिए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गार्डन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुजी चले, पहले गुरुजी ने पूरा जो है वो गार्डन को चेक किया। गार्डन को चेक किया तो गुरुजी घूमते 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 सेंटर पे आ गए, और सेंटर पे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। उसको देख के गुरुजी चिंता में आ गए कि यही कारण है इसकी वजह से, हो सकता है। तो गुरुजी ने क्या किया, इसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद उस पर कुछ निशान बनाए। निशान बनाने से सर को पता चला, गुरुजी को पता चला कि दुख समस्या परेशानी का कारण ये पेड़ है, पेड़ का लंबा होना है, क्योंकि इसके कारण हवा में दिक्कत आ रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने पेड़ को थोड़ा सा काट के समस्या को सॉल्व किया और वापस गार्डन हरा भरा हो गया। सर हमारे काम का क्या है, गौश बाबा ने हमारे लिए क्या किया? देखिए, जो पेड़ था और पेड़ के ऊपर जो आपके कपड़ा बांधा था वो बेसिकली गौशीय सरफेस थी, और इस पेड़ की वजह से ही आसपास का क्षेत्र क्या हो रहा था, प्रभावित था, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रभावित हो रहा था। जो आसपास का क्षेत्र है वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये जो सेंटर पे लगा हुआ था वो क्या है, चार्ज। तो चार्ज के ऊपर इन्होंने क्या बांधा, कपड़ा, यानी गौशीय सरफेस बांधी, तो उसने वापिस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रभावित होने से रोक दिया। सर आप हमारी भाषा में समझाइए क्या होता है। आपने बताया कि गार्डन था, गार्डन पे चार्ज एक पेड़ था, उसके चारों तरफ कपड़ा बांधा, उससे समस्या सॉल्व हो गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी वजह से प्रभावित हो रही थी, तो हम लोग गौशियन सरफेस बनाई और हम पता किए इलेक्ट्रिकल फील्ड किस कारण प्रभावित हो रही और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दी। इस कहानी को समझो, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले कैसे, हमने उस समस्या को समझा, पेड़ के ऊपर कपड़ा बांध के वहां पर निशान लगा के समस्या को समझा, और इलेक्ट्रिकल गार्डन का आसपास का क्षेत्र जो प्रभावित है उसे खत्म किया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए गौशियस लॉ इसी कंसेप्ट पे एक पूरी कंसेप्ट पे कहानी बनाई। गौश ने कहा, अगर हमारे पास में एक चार्ज है और वो चार्ज अगर पूरा मैं बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो सबसे पहली बात आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, गौश लॉ जो होता है वो एक क्लोज सरफेस के लिए होता है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जो बगीचा था वो आपका क्लोज सरफेस मान लो, और जो पेड़ है वो चार्ज है, वो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है, ये कहानी हमारे गौश ने बताई। यानी कि गौश की सहायता से सबसे पहली चीज क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या कहानी समझ आती है बच्चों, गौश की सहायता से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला जाता है, पहली बात। अच्छा बहुत बढ़िया, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक तो चार्ज चाहिए, वो भी कैसा चार्ज, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए, तो एक क्लोज सरफेस भी चाहिए और अंदर चार्ज भी चाहिए, तीन चीजों की बात हमें पता चली। यहां तक कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, शक और संशय वाली बात नहीं। पूरी कहानी को मिला के हमने यह समझा कि हमें तीन चीज रिक्वायरमेंट, एक चाहिए बगीचा, गार्डन, गार्डन बोले तो क्लोज सरफेस, फिर एक चार्ज मतलब सेंटर वाला पेड़, और गौशियन सरफेस मतलब उसके ऊपर जो चारों तरफ कपड़ा बांधा था, जिससे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं। तो गौश बाबा ने अपने राज बताए और अपना पथ प्रदर्शित किया कि कहा, प्यारे बालकों मैं एक नियम दे रहा हूं, उस नियम को मेरे नियम से जाना जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट कौन करता है, गौश ने बोला। तो हमारी कमला बहन ने बोला कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड को बताने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और एक सरफेस भी आ गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड और लाइन और सरफेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सरफेस से जितनी जाएगी वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा।
क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। तो गाउस ने एक कहानी बनाई कि कहा किसी क्लोज सरफेस के लिए, मेरे प्यारे बच्चा क्या कहा, किसी क्लोज सरफेस के लिए, यानी कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। पहली चीज, अगर मान लो सरफेस क्लोज नहीं है तो उसको बना दो, क्या करो, बना दो। और उस इमेजरी क्लोज सरफेस को कहा जाता है गाउसियन सरफेस। और क्या क्या चाहिए? एक चाहिए हमें चार्ज, जो कहां होगा, क्लोज सरफेस के अंदर, इसीलिए कहते हैं इंटरनल चार्ज टोटल। उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेगी अर्थात फ्लक्स। इतनी सारी सामग्री गाउसेस बाबा ने मंगवाई। अब गाउसेस बाबा ने मंत्र पढ़ा स्वाहा, गाउसेस लो स्वाहा अर्थात इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। गाउस बाबा ने कहा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट मींस फाई। अब सभी ने कहा गुरुजी मंत्र कंप्लीट करिए और इस फ्लक्स को खत्म करिए। तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा गुरुजी ने? द नेट क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स रहेगा वो रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो सबने बोला कि क्यू क्या? तो क्यू टोटल चार्ज अंदर का, क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। एप्सिलॉन नॉट क्या? द एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ तो चलो, नहीं बताओ दूसरी, अरे बता दो, अरे निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 गुना 10^-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पढ़ा था ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आंखें निकाल रहे साले, पढ़ता लिखता है नहीं तो। तो यहां से हमें चीज पता चली कि जो फ्लक्स का मान होगा वो नेट चार्ज उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। चाहे एप्सिलॉन नॉट आपको बता रखिए, ठीक है, परमिएबिलिटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो आपको पहले से बता रखा था। अब इस कहानी को सर, यही आपका फ्लक्स है और कुछ नहीं है। क्या समझे फ्लक्स के बारे में? कि एक क्लोज सरफेस चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो आपके फ्लक्स के बराबर होगा। सर फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या गुरुजी? ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका एक सेकंड फॉर्म भी कह सकते हो, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस के हिसाब से फ्लक्स की डेफिनेशन हमारे पास मिली। सर परीक्षा में आएंगे तो कैसे लिखोगे? बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे? एग्जाम में आप लिखोगे किसी बंद सतह या गाउसीय सतह, कॉस्टर को लिख देना काल्पनिक गाउसीय सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गाउसियस कर लो। सर इंग्लिश प्लीज। इन ए क्लोज सरफेस, इन ए गाउसियन सरफेस द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस देन चार्ज ऑल आर चार्जेस प्रेजेंट देन द फ्लक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज डॉट 1/ε0, इन दोनों के प्रोडक्ट के जो है वो इक्वल होता है। ये कहानी हमारी जो बताई थी वो गाउस ने बताई थी। चलो जल्दी से देख लो एक बार, है ना, लिखना चाहो तो लिख दो, देख लो फटाफट। चलो अब मैं पूरा पीपीटी से समझाऊंगा ना,
आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है, और फ्लक्स को गाउसियस लॉ से कैसे कनेक्ट करते हैं, कि भाई जो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं वो जो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करते हैं। और इसी चीज़ का यूज़ करते हुए निकालना क्या है, बोलना मत, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। अब जो है सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं ना, उनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालते हैं वो काम करेंगे। अब ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। चलो, यहाँ तक कोई शक संशय परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को सर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट ये पढ़ा, इंग्लिश वालों आसानी से लिख सकते हो, द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε₀ टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। सर हिंदी वालों को लिखवाओगे नहीं क्या, लिखो हिंदी वालों। किसी बंद सतह या गाउसिय सतह के लिए, किसी बंद सतह या गाउसिय सतह के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह में उपस्थित कुल आवेश, उस सतह में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε₀ का गुणनफल होता है। उस सतह में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε₀ का गुणनफल होता है। ε₀ परमिटिविटी बता दी मैंने फ्री स्पेस की, तो ε₀ के बारे में लिख सकते हो निर्वात की विद्युतशीलता। परमिएबिलिटी नहीं है, परमिटिविटी है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। परमिटिविटी या परमिएबिलिटी म्यू नॉट हो जाता है ना, ये ध्यान रखना। निर्वात की विद्युतशीलता, अगर मानिए, और क्यू क्या है, कुल सतह का चार्ज है, तो क्यू के बारे में लिखना चाहो तो सतह में उपस्थित कुल आवेश, तो ये अंदर का चार्ज होता है, इसलिए क्यू इन भी लिखना, सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, अब गाउस ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू गाउसिस थ्योरम ये पढ़ा कि जो नेट फाई होगा वो 1/ε₀ का प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा, क्यू के साथ में। वही चीज वापिस लिखा है, बाई द डेफिनेशन टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाई, तो इस तरीके से आता है फाइव बराबर ई डॉट डी एस। तो हमें पता है कि किसी किसी भी क्लोज सरफेस का जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई डॉट डी एस होता है। क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो ये हमारा फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, क्या इन दोनों को इक्वल कर दे, बिल्कुल इक्वल कर दे। जब दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो कंप्लीट जो है वो गाउसियन थ्योरम बनते, इस तरीके से जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ये रही ये वाली थ्योरम बनती है, और मैंने आपको पीछे भी लिखा था याद हो तो, ई डॉट डी एस बराबर नेट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट गाउसियन थ्योरम है, क्लास 12th वालों के लिए रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात देखते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। सर ये प्रूफ कैसे होगी, देखिए प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बोर्ड वालों के लिए, लेकिन बोर्ड वाले चाहे स्टाइल मारना चाहे तो वहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ऑरली समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सब फास्ट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो इसमें एप्लीकेशन करवाने में भी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले सारा खेल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, जिससे क्या तुम्हें दिक्कत ना आए। एक बार सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी, मैंने क्या किया, एक बार पढ़ो सब लोग, इंग्लिश में है ना तो भी आप लोग पढ़ो, मैं साइड में हो जाता हूं, पढ़ो। पढ़ लिया अच्छे से, अच्छा क्या कह रहा है बता दो तो। हाँ बेटा बताना तो, ये क्या कह रहा है मेरे को एक बार,
एक हमने पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो इनसाइड ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर एक क्यू पॉइंट चार्ज जो हमने एज्यूम किया, और ये क्यू चार्ज जो है वो कहाँ पे लिया हमने, एक स्पेयर पे लिया, यानी कि गोले पे लिया जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो गोले पे कितना, तो सेंटर पे जो गोले के सेंटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, क्यू। बेसिकली क्या किया कि हमारे पास में एक सरफेस थी ए, ये वाली सरफेस जो आपको ऐसे ऐसे दिख रही है कि इसको डायग्राम में चेंज हो सकता है क्या, चलो तो ये इसकी सरफेस दिख रही है ब्लू वाली। ठीक है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज माना, उस क्यू को हमने कहाँ दे दिया, स्फीयर के सेंटर पे। तो अब ये रहा स्फीयर, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, तो बाहर की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से आपके पास में होगी। अब ए जो है वो ये सरफेस से बाहर वाली गाउस वाली, और बी जो है हमारा स्फीयर है। आप लोगों को भी पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है किसी भी सरफेस पे पॉइंट पे स्फीयर के कारण, अभी हमने पढ़ी नहीं है, गाउस से ही निकालना सीखेंगे, तो जो होती है वो होती है के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये के लिखा हुआ है, क्यू अपन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, और आपको पता है कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले, यहाँ पे ये वाला छोटा सा एलिमेंट ये रहा, अगर हम छोटा सा एलिमेंट ले तो यहाँ पे अपने को जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस, क्योंकि अपने को एरिया वैक्टर चाहिएगा, क्या चाहिएगा, एरिया वैक्टर ये रहा डी एस, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ई डॉट डी एस आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, एक सेकेंड है ना, ये रहा, यहाँ पे E का मान रख दो तो क्या बनेगा, डी फाइव बराबर के क्यू ओपन आर स्क्वायर डॉट डी एस बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेट फ्लक्स निकालेंगे, इस तरीके से बन जाएगा इंटीग्रेशन डी फाइव बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर डी एस। अब जो जो कांस्टेंट टर्म्स है सबको बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सब कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट, सॉरी ये इंटीग्रेशन रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। और अपने को पता है कि स्पेयर जो होता है उसका एरिया कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, तो देखिए फोर पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ये देखिए क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट बचा कि नहीं बचा। तो कभी भी आपसे इसका डेरिवेशन पूछो तो आप कर सकते हो, कैसे करना है, एक आपको सरफेस लेनी हो, सरफेस के अंदर एक चार्ज मानना है क्यू, और वो वाला जो चार्ज है आपको कहाँ पे देना है, वो चार्ज आप लोगों को जो देना है वो देना है स्फीयर के सेंटर पे देना है, कहाँ देना है बेटा, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज को देना है। और जैसे आप स्फीयर के सेंटर पे चार्ज को दोगे उसके बाद क्या करना, स्फीयर का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल दो कितना होता है, के क्यू ओपन आर स्क्वायर, फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल दो सरफेस के छोटे से एलिमेंट से ई डॉट डी एस, और ई की जगह के क्यू ओपन आर स्क्वायर रख दो, सॉल्व कर लो तो हमारे पास में नेट फ्लक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू ओपन एप्सिलॉन डॉट। तो ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो ये आप स्टाइल मारने के लिए लिख सकते हो कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, किसके लिए, स्टाइल मारने के लिए कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, या एग्जामिनर को आप ये बताओ कि मेरे को बहुत कुछ आता है, अरे जब बताओगे ही नहीं तो वो नंबर थोड़ी देगा, आईना बात समझ में। तो कॉपी में जब काम करते हैं ना तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है, और वो मैं अच्छे से जानता हूं कितना आता है कितना नहीं आता, हंस क्या रहा है, सही बात तो है बेटा, पढ़ता लिखता है नहीं तो बातें बड़ी बड़ी करता है। चलो अगली कहानी की बात करते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, यूजेस के अंदर देखिए, देखो बहुत सारी थ्योरी वो ट्वेल्थ वालों के लिए मैं लिखता हूं, ये देखिए इतनी सारी चीजें हम लोग जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का बता ही दिया कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन किन चीज़ों के लिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका प्रयोग जो है सममित आवेश, लिख दो हिंदी वाले, गाउस नियम का प्रयोग सममित आवेश वितरण के लिए इलेक्ट्रिकल सॉरी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग बंद सतह के लिए कुल फ्लक्स निकालने के लिए भी कर सकते हैं। इट इज यूज टू फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये चीज बोलिए, और हम लोग जो है इसका यूज करते हुए आसानी से इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, वही पहली वाली लाइन बोला, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आ गया, अरे खत्म नहीं हुआ, अभी इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। इन गाउसेस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू,
यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि गाउस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है बंद सतह के बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो किसके बराबर होता है बताने की जरूरत है क्या बेटा, 1/ε0 चार्ज इनक्लोज विद 1/ε0, और किसके मल्टीपल में चार्ज कितना आएगा वो। बेसिकली ये लाइन क्या लिखी हुई यहां पे, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, इसने लैंग्वेज में लिखा है कि कुल चार्ज के 1/ε0 गुना होती है। मैं लिख भी देता हूं, तुम लोग बड़े आके निकाल रहे हो मेरे सामने। इस तरीके से हो जाएगा। चलो अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। एप्लीकेशन शुरू होगी, एप्लीकेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इस पर और डिटेल समझाऊंगा, पीएचडी कराऊंगा, है ना, क्वेश्चंस लगवाऊंगा तगड़े वाले, है ना, उसके बाद में ही है ना हम लोग है ना इस पर काम करेंगे, समझे। चलो ये पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो चलो वापस वही डेफिनेशन है जो हम लिख के आगे, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस 3D सरफेस के जो होता है वो 1/ε0 टाइम होता है कुल चार्ज के। वही लाइन है, वापस बताऊंगा नहीं, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये देखिए चीज बताता हूँ, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, हेडिंग लगा दीजिएगा गाउस के नियम के कुछ गुण या अनुप्रयोग, ठीक है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, आप खुद सोचो अपने को क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो बंद सतह चाहिए वो कैसी भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला पॉइंट यही है इसके अंदर कि ये हमेशा सरफेस की साइज के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, यानी आप कैसी भी सरफेस लो बस क्लोज होनी चाहिए, उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता, साइज कैसी भी हो सकती है, यह ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सरफेस, है ना। आगे बात समझे, हिंदी वाले लिखोगे किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सतह की आकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसकी साइज कैसी भी हो सकती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब जैसे मान लो कि सरफेस 1 मान लो आप लोग, सपोज ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, ये मान लो इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस 2 आर है, इसका डबल है, यानी ये जो आपके पास में सर्कल है इसका डबल ये वाला सर्कल है, यहाँ ये स्फीयर है आर रेडियस का, तो ये इस पे 2 आर रेडियस का है। तो 1 से जो फ्लक्स आएगा वो भी q/ε0 ही आएगा,
इसके अंदर भी कौन सा चार्ज इनक्लोज है, क्यू, और इसके अंदर भी कौन सा चार्ज इनक्लोज है, क्यू, इससे भी कौन सा आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इससे कुछ भी जो है वो डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना ये चाहिए, और उसका भाग दे देना एप्सिलॉन नॉट के अंदर। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, साइज कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सर शेप का फर्क पड़ सकता है? सर ये गोला हो जाए, बेलन हो जाए, ये दूसरी प्रॉपर्टी सही है। देखते हैं क्या है, मैंने लिखा है इसके अंदर पता चल जाएगा। ये देखो, चाहे स्फीयर आए, चाहे क्यूब आए, चाहे सिलेंड्रिकल आए, चाहे कौन आए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि नेट जो फ्लक्स रहेगा इसका भी कितना रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज कितना क्यू। हमको तो क्या चाहिए, बस ये चार्ज चाहिए, उसका डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। भाई चार्ज कितना क्यू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि सरफेस की जो शेप होती है अर्थात आकार होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख देना कि विद्युत फ्लक्स का मान आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति कैसी भी हो सकती है। चलो दूसरा पॉइंट जल्दी से बना लो, ये स्फीयर का है, आप इसे स्फीयर ही बनाना क्योंकि 3D में पहुंच चुके हैं, गॉस, क्यूब, सिलेंडर और कौन। अब ये मत पूछना इसको हिंदी में क्या कहते हैं ना, इसको गोला कहते हैं, इसको घन कहते हैं, इसको बेलन कहते हैं, इसको कौन को कौन कहते हैं, शंकु कहते हैं, कौन को कौन कहते हैं, बड़ा आया। चलो जी चलो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बहुत अच्छी बात बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ट्राई करना। आपको पता ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो आती है वो कहां आती है, बाहर की तरफ। तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस गुजरेगी वो सारी की सारी क्या रहेगी, बाहर की तरफ, इस तरीके से। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रिकल, ये जो है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर गुजर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में आ रही है, ये बात हमें भी समझ में आती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्वेश्चन कैसा है, यहां का फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको एक बात बताई थी याद हो तो, एंटर फ्लक्स और एक्सर्ट फ्लक्स बताया था, कि जब निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, ठीक है, यानी कि जब फ्लक्स एंटर हो रहा होता है तब कैसा होता है, और जब फ्लक्स निकल रहा होता है तब कैसा होता है, बताया था, निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, याद करो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा, वैसा ही कुछ है। जैसे देखो ये ई है और यहाँ पे एक एरिया ले ले तो ds, इसका एरिया वेक्टर आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई डॉट ds कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, एंगल कितना बनेगा, जीरो, तो ई ds हो जाएगा, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर निकल रही है सरफेस से, यानी ये फ्लक्स कैसा है, एक्सर्ट फ्लक्स है। एक्सर्ट फ्लक्स का बोले तो फाई कैसा है, इन गोइंग है, आउट गोइंग है, आउट गोइंग है, तो फाई आउट यहां पे कैसा आ गया, पॉजिटिव, यानी कि फाई निवेशी धनात्मक आ गया। अब इसमें आ जाओ सेम चीज, अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस तरीके से आती है, उसकी तरफ आती है इस तरीके से, तब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, इधर है, एरिया वेक्टर लोगे तो किधर आएगा, इधर। अब दोनों में एंगल कितना है, 180, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी एस, 180 मतलब माइनस ई डी एस, अब कैसा आ गया, नेगेटिव, फाई इन कैसा आ गया, नेगेटिव। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाई निर्गत कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जब हमारे पास में फ्लक्स आउटवर्ड्स हो, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर से निकल रही है सरफेस से,
बाहर निकल रही है वहां का फ्लक्स नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, जिसे फाई आउट या फाई निवेशी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही अर्थात नेगेटिव चार्ज है, तो वहां का फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव। यानी सीधी बात है भाई, लाइनें अंदर जा रही है तो फ्लक्स कैसा रहेगा? नेगेटिव। और लाइनें बाहर निकल रही तो कैसा होता है? पॉजिटिव। तभी तो देखो सरफेस के अंदर लाइनें जाती है, क्या जाती है? अंदर, तो फ्लक्स कैसा हो जाता है? नेगेटिव। और फिर वापस दूसरी सतह से कहाँ निकल जाती है? बाहर। इसलिए तो बोला क्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स जीरो होता है, तो ये यहाँ से होता है। तो मैंने दोनों बता दिए कि निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव। या ऐसा याद रखो, जब लाइनें अंदर जाती है तो नेगेटिव होता है फ्लक्स, और लाइनें बाहर जाती है तो पॉजिटिव। कुछ भी याद नहीं रखो तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन से निकाल दो, पता चल जाएगा। यहां तक कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है। बात करते आगे की प्रॉपर्टी की। चलो आगे की प्रॉपर्टी में यही बोला कि पॉजिटिव फ्लक्स जो होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ, नेगेटिव फ्लक्स जो होता है वो इनवर्ड होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स। और जो ये क्लोज सरफेस होती है, इस क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है? गाउसियन सतह भी कहा जाता है। और अगर नहीं हो तो वहां पर बनानी पड़ती है, उसे कहते हैं काल्पनिक सतह, काल्पनिक गाउसियन सतह। और ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इस चीज का आप ध्यान रखना कि हमेशा कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए। किसके? चार्ज के। ये भी ध्यान रखना, अगर आपने पॉइंट चार्ज लिया तो पॉइंट हाउस की गैस सरफेस क्या आ जाएगी? इस तरीके से आ जाएगी। तो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग गाउसियन सरफेस होती है, ये भी यहां से पता चला। चलो पहला क्वेश्चन से 2011 के नीट के पेपर का एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, इंग्लिश वालों, हिंदी वालों को मैं लिखवा देता हूँ, एक बार पढ़ लो आप लोगों। चलो हिंदी वाले लिखो, एक एक गाउसीय गोलीय सतह जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, एक गाउसीय गोलीय सतह जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा उसमें क्यू चार्ज से बंद कर रखा है। यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो निकलने वाला फ्लक्स कैसा होगा? तो निर्गत फ्लक्स का मान कैसा होगा? शायद ये सवाल करवाया है, याद है? बताता हूँ अभी। ये देखो त्रिज्या आर थी और टू आर थी, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी यहाँ पे, तो ये कैसा फ्लक्स निकला? दोनों में सेम आया था कि नहीं आया था? और ये निर्गत फ्लक्स था कि नहीं था? तो ये सेम सवाल 2011 के अंदर आया हुआ, ध्यान रखना नीट के पेपर के अंदर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा क्या? नहीं। चार टाइम बढ़ जाएगा? नहीं। हाफ हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा। आगे देखो सवाल बहुत अच्छा है। इसने बोला गया एक बिंदु आवेश है, देखो यहाँ पे सही से क्वेश्चन था नहीं तो मैंने डायग्राम बना के समझा दिया। एक बिंदु आवेश है क्यू, इस घन के सेंटर पे रखा गया है। कहाँ रखा गया? घन के सेंटर पे रखा गया है। आपको बताना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है वो क्यू के कारण कितना आएगा, ये आपको बताना। बहुत अच्छा सवाल है, चलो करने की ट्राई करो जल्दी से। सवाल में कोई दिक्कत है? ए पॉइंट स्फेरिकल चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब जिसकी साइड कितनी है? एल। द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? टेड चार्ज क्यू है, आपको बताना है। सेंटर पे रखा गया बेटा, ये भी ध्यान रखना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका क्या आंसर हो सकता है? अरे सीधी सी बात है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं समझो तो नहीं समझो। अब मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं, ठीक है? मैं पानी भी लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको करिए। जल्दी करो बेटा, हो गया क्या तुम्हारा?
चलो जल्दी करो, फिर मैं देख लूँ किसी का कॉल मैसेज तो नहीं है। तुम्हारे जैसे जिंगूर होगा क्या, बता आ भी सकता है, नहीं आता किसी का भी। कितने लोग जीरो सोच रहे हैं, कितने लोग जीरो सोच रहे हैं, यानी कि आंसर तो दो ही होने। अरे जीरो तब होता है जब जितना फ्लक्स आता है उतना फ्लक्स निकलता है, पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज कितना है, क्यू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्या दिक्कत है। क्या 1996 के एग्जाम का सवाल है, अगला सवाल ले लो बेटा। एक चीज थी वो जो बताया नहीं शायद, है ना, स्किप हो गई मेरे से। ये कहाँ गई, यस ये वाली कहानी है ना, बोला कुछ तो मिस हो रहा है। इन्होंने बोला एक स्पेयर था, उस स्पेयर के अंदर एक डाइपोल को रख दिया। डाइपोल समझते हो ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन से स्मॉल डिस्टेंस पे। तो बताना है कि नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, समेशन ऑफ क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो लिख देना डाइपोल अगर रखा गया हो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर अगर आपका डाइपोल रखा गया है, उस केस में फाई जीरो आती है, ये ध्यान रखना। जल्दी से लिख दो, अगर डाइपोल रखा गया है तो उस केस में फाई कितनी आती है, जीरो आती है। ये मैं भूल गया था, बता दिया वापस। ये देखो बेटा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। देखो आपको इस क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स बताना है, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ। ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के कारण आपको फ्लक्स बताना क्या है, यहाँ पे कोई भी अंदर चार्ज है क्या, नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जरूर गुजरेगी, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ से फील्ड लाइन, चार्ज नहीं होने पे भी फील्ड लाइन्स गुजर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड है किसी दूसरे के कारण। तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। ध्यान से सुनना मैंने जो बात बोली है, क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजर रही है तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो होकर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, ऐसा केस पॉसिबल है, ये वाला भी ध्यान रखना। क्या बोला वापिस, कि चार्ज ना होते हुए भी, फ्लक्स जीरो होते हुए भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉसिबल। अब देखना, आपको बहुत तगड़ा सवाल देता हूँ करने के लिए, कान दिमाग सब हिल जाएगा। सवाल है भाई साहब तगड़ा वाला, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक शानदार। सर हम तो है ना इस क्वेश्चन को देख के ही डर गए, सॉल्व कैसे करें। अगर तुम क्वेश्चन को देख के डर जाओगे तुम जीवन में क्या ही करोगे रे बच्चा लाला। देखो बेटा ध्यान से सुनना, सवाल बहुत प्यारा सवाल है, समझा देता हूँ पहले, ध्यान से सुन। पहले एक बार पढ़ो आप लोग, मैं साइड में जाऊँ थोड़ा सा, शक्ल दिखने दो मेरे को, ठीक इतना सही दिखूंगा। आज पता स्कूल भी नहीं गया तुम्हारे, क्लास के लिए नहीं गया आज स्कूल, है ना, क्योंकि 2 दिन से ना ऊपर नीचे हो रहा था भाई। फिर बच्चे सोचेंगे कि सर क्लास नहीं ले रहे, क्लास नहीं ले रहे, क्लास नहीं ले रहे, इसीलिए देखो तो कितने मिस कॉल आ रहे हैं। ओहो 525, इतने सारे मिस कॉल। सर आप फोन में खो गए क्या,
ठीक है चलो। देखिए सवाल पढ़ लिया सर, हम तो आपके जो मोबाइल पे कर रहे थे उस पे ध्यान दे रहे थे, मेरे को पता है। आपको एक फिगर दिया गया है, एक इमेजिनरी क्यूब इस तरीके से, जिसकी साइड है एल बाई टू, कितनी साइड है, एल अपॉन टू। तो हिंदी वाले लिखोगे, दिए गए क्यूब में जिसकी भुजा की लंबाई एल बट्टे दो है, जिसकी भुजा की लंबाई एल बट्टे दो है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑफ एल लेंथ मूव टूवार्ड द लेफ्ट, इसके लेफ्ट एंड से ये इस क्यूब की तरफ जो है रॉड लाई जा रही है, स्मॉल बट कंसंट्रेटेड स्पीड वी, वी स्पीड से जो है कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेटेड कॉन्स्टेंट स्पीड वी से जो है इसके पास में लाई जा रही है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से इसकी तरफ आएगी तो क्या होगा? देखो सवाल को समझो, मैं थोड़ा मोबाइल के अंदर ना खो गया हूँ, ध्यान से देखना मेरे, इसीलिए कहते हैं मोबाइल बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, समझ गए ना? रियल एग्जांपल बता दिया सर, आप खुद हमें मना करते हो मोबाइल, अब आप खुद ही जो है हमारे सामने एग्जाम्पल दे रहे हो कि मोबाइल आपको कितना डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए तो मोबाइल हमेशा बंद करके काम करो जीवन में, अच्छा काम होता है, प्यारा काम होता है। बहुत बढ़िया, हंस रहे ऊपर से, ये देखो दांत निकले जो इनके बाहर आ जाएंगे बेटा दांत, समझा? ज्यादा हंसना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समझा? अब देखो ये एल बटा दो और ये एल बटा वी वेग से यहां पे आ रहे, एक क्यूब है बेटा, वापिस समझा देता हूं, एक घन है, इस घन के पास में एक एल लंबाई की छड़ है जो वी स्पीड से इसके पास में आ रही। अब क्या होगा, ये वी स्पीड से आएगी, इसके अंदर आएगी और फिर ये बाहर निकलेगी। ये इसका राइट पार्ट है, किसका, क्यूब का, और ये रोड का एल पार्ट है, यहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। द लेफ्ट एंड, यानी कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है, देखो फोन आया, इसका जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट पार्ट, इसके राइट साइड वाले पार्ट के, सॉरी इसका राइट पार्ट, अब देखो फोन ने कितना डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, वापिस ध्यान से देखना, इसका राइट पार्ट जो है वो ये लेफ्ट वाले पार्ट के पास में आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार ना पूरा समझा देता हूं, मैं भी तुम लोगों को ना डिस्टर्ब कह चुका हूं, चलो ध्यान से देख। एक घन है, ये रहा घन, जिसकी भुजा कितनी है, एल बट्टे दू, इस घन का राइट भाग जो है, इस रोड का लेफ्ट भाग इसके टच हो रहा है, टच हो गई, ये कॉन्स्टेंट स्पीड वी से अंदर एंटर होगा और फिर ये बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे कहा गया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ग्राफ दिए गए, तो कौन सा ग्राफ फ्लक्स का है जो वो टाइम के साथ में सही होगा। क्या बोला, कि कौन सा ग्राफ जो है वो फ्लक्स का टाइम के साथ में सही होगा, ये आपको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, चलो बंद ही कर देता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। चलो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आप अपनी भाषा में लिखना है कि एल लंबाई की रॉड है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, इस तरीके से आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव रॉड के, ये चार्ज यहाँ पे है, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा, चार ग्राफ है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। देखो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना समझना, पहले क्या होगा, ये इसकी तरफ आ रही है, तो इसकी तरफ चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। सबसे पहली चीज कि भाई चार्ज इसके पास था ही नहीं, अब इसके अंदर एंटर होगी तो चार्ज तो आएगा, चार्ज आएगा तो फ्लक्स एकदम से बढ़ने लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, ए में भी बढ़ रहा है और बी में भी बढ़ रहा है, सी और बी में कम हो रहा है और सी में कॉन्स्टेंट, यानी कि या तो हमारा आंसर ए होगा या हमारा आंसर डी होगा। अब आएगा फिर पूरा अंदर एंटर होगा तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा चार्ज, जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जैसे वापस बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो फ्लक्स क्या होने लगेगा, कम होना लगेगा। तो ये देखो कम होने लगा, आई बात समझ में, इस तरीके से ध्यान से देखना, मैंने लिखा भी है, ये रहा। देखो सबसे पहले टी बराबर जीरो पे चार्ज कितना है, जीरो, तो फ्लक्स भी कितना है, जीरो, यानी ये रहा हमारा टी बराबर जीरो की, यहाँ पे ग्राफ होगा शायद, ये रहा टी बराबर जीरो।
अब क्या हुआ कि रॉड जो है वो मूव कर रही है, तो चार्ज बढ़ रहा है। पहले चार्ज जीरो, अब चार्ज बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो पहले जीरो था, फ्लक्स बढ़ने लग गया। अब क्या हुआ उसके बाद में, क्यू क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर क्यू कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसके बाद में चार्ज क्या है वो डिक्रीज हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज। तो फ्लक्स भी क्या हुआ? डिक्रीज। तो देखिए, सबसे पहले जीरो कंडीशन पे चार्ज नहीं था तो फ्लक्स जीरो, अब ये इसकी तरफ गया तो चार्ज बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फिर ये अंदर चला गया तो कांस्टेंट रहेगा चार्ज, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, फिर ये बाहर निकलेगा तो चार्ज कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। अब आई बात समझ में अच्छे से? क्लियर। चलो चलो, ये दो क्वेश्चन है बेटा, आपको मैं होमवर्क में भेज दूंगा, करने आपको खुद को है। एक दो ये वाला सवाल है ना, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है ना, ये सीट मिल जाएगी आपको, इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट ही है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा शायद, क्वेश्चन चलो करवाते हैं ना थोड़ी देर। ये रहा क्वेश्चन, एक स्पेयर है इनक्लोज किया गया है इलेक्ट्रिकल डाइपोल के साथ, स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हुआ होता है, तो नेट फ्लक्स कितना आता है? जीरो आता है, अभी पढ़ा है तो डाटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2019 के ओडिशा का अलग से पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन से क्या बोला गया, एक स्पेयर के अंदर डाइपोल लगा गया, और जब स्पेयर के अंदर डाइपोल लगोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितनी आने वाली है? जीरो आने वाली, खत्म। ये देखो, अच्छा सवाल है, बढ़िया प्यारा सवाल है। देखो बेटा, अब ऐसे सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे कि क्लोज सरफेस के लिए कहां नहीं पढ़ रहे थे, अब क्या करेंगे, क्लोज सरफेस को आधा कर देंगे, चार भाग कर देंगे, और वहां पे क्यू चार्ज रख देंगे, तब कितना आएगा? तो मेरी बात सुनना, कि आपके पास में कि हेमी स्पेयर है इस तरीके से, और इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा? तो सबसे पहला काम तो करो, इसको पहले कंप्लीट बना लो। बना लिया कंप्लीट, इस कंप्लीट के कारण कितना था? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कितने भाग हो गए? दो। तब फ्लक्स कितना बच गया? Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी बाप के पास में आएगी, ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में भी आते हैं ऐसे सवाल, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सरफेस को कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करने पर ये कितनी जो सरफेस दे रखी उसको देखो, उस सरफेस से ये चार्ज जो है सेंटर से कितनी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? दो पे, तो क्यू बटे टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छे सवाल आते हैं, ये रहा कंप्लीट का कितना है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो हेमी स्पेयर का क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2003 के पेपर का सवाल है। एक चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा गया है क्यूब के, अगर क्यूब के सेंटर पे रखोगे तो क्या होगा? ये देखो, इस तरीके से होगा, ये क्यूब के सेंटर पे रखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा? तो सबसे पहले है ना हम कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट के लिए कितना होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, सेंटर पे रखोगे तो एक सरफेस आगे, दो तीन चार पांच और छह सरफेसों से ये गिरा हुआ होता है, कितने सरफेसों से? छह से, तो कितना हो जाएगा? क्यू बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं समझा रहा हूं उतना आप समझते रहो। यहाँ पे देखो, वही सवाल है, क्यू बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट ही इसका आंसर होगा, ये पेपर में आया हुआ है, बस इसने माइक्रो कूलाम दिया है तो ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा, खत्म। चलो बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े फास्ट करवाए, इसलिए करवाया कि मैंने सारा डिटेल में समझा दिया था ताकि आप आसानी से कर सको। ठीक है, अब मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, तो वहाँ से मैसेज और कॉल आ रहे थे। चलो बच्चों, समझ में नहीं आया एक बार मेरे को बता देना, मैं छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गए होंगे अच्छे से। लास्ट में जो क्वेश्चन किए ना, उसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले सरफेस को बंद कर दो, उसने जो बोला है उसके अलॉन्ग सरफेस को बंद कर दो। जैसे पहला सवाल किया हेमी स्पेयर का, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट किया, स्पेयर बना। अब आप इस क्या करो, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये कितने भाग मिलके कंप्लीट बना रहे? दो भाग, तो क्यूब बटे टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब सर, क्यूब के सेंटर पे रखा, क्यूब ये रहा। अब इस क्यूब को सेंटर से देखो, ये कितनी सरफेसों से गिरा हुआ है? छह से, कितनी से? छह से, तो कितने भाग हो गए? छह, तो क्यूब बटे सिक्स एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ऐसे सवाल खूब सारे आएंगे, एक दो नहीं, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते, पता नहीं आप सही करोगे गलत। अरे आया ना समझ में? चलो चलो बच्चों, विदा लेते, राधे राधे, ध्यान रखिएगा, मस्त रहेगा। चलो बच्चों।